हेलो वन पीस फैंस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। क्या आपको पता है कि कौन है लोकी? अरे नहीं भाई, वो एमसीयू वाला नहीं, हम बात कर रहे हैं एल्बाफ के लोकी की, जो एकदम से स्पॉटलाइट में आ गया है। और ये आदमी सिर्फ प्रिंस नहीं है, प्रिंस ऑफ कर्सिस है। आज हम ये जानेंगे कि क्या चक्कर है इस लोकी का, उसके लेजेंडरी डेविल फ्रूट का, और क्यों इसकी स्टोरी इतनी जबरदस्त है। लोकी का पहला इंट्रोडक्शन हमने होल केक आइलैंड आर्क में देखा। वहां पर हमें ये बताया गया था कि वो एल्बाफ का प्रिंस है और लोला यानी कि बिग मॉम की बेटी पर फिदा है। अब बिग मॉम चाहती थी कि लोला लोकी से शादी करे ताकि एल्बाफ के जायन का सपोर्ट मिल सके, और बिग मॉम सोच रही थी कि अगर ये शादी हो गई तो वो सबको धूल चटा देगी, जैसे कि सैंक्स, व्हाइट बियर्ड और काइडो। लेकिन लोला ने तो अपने डेस्टिनी का डिसीजन खुद कर लिया और होल केक आइलैंड को छोड़ दिया, और इसी रीजन से जायंट और बिग मॉम के रिलेशन बिगड़ गए। हाँ, वैसे भी कहा अच्छे थे, बिग मॉम पहले से ही एल्बाफ को काफी नीचा दिखा चुकी थी अपने बचपन में। अब बात करते हैं रिसेंटली चैप्टर 1130 में एल्बाफ आर्क की, जहाँ फैंस को फाइनली लोकी के दर्शन मिले। लूफी और स्ट्रो हैट पायरेट्स एक ब्रिज पर जा रहे थे जब उन्होंने लोकी की शक्ति को महसूस किया, और भाई लूफी ने तक बोल दिया कि ये पावर लेवल क्या है, मुझे तो गूज़बम्प्स आ रहे हैं। एंड देन लोकी का इंट्रोडक्शन तो क्या ही धमाकेदार था। जब उसने खुद को सन गॉड के रूप में इंट्रोड्यूस किया, तब सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। अब सुनो असली ट्विस्ट, लोकी के हाथ आया एक लेजेंडरी डेविल फ्रूट, और अब तक ये फ्रूट सिर्फ मेंशन ही हुआ है, दिखाया नहीं गया, मतलब सस्पेंस रखेंगे ये लोग। लेकिन भाई साहब, ये फ्रूट खाने के लिए लोकी ने अपने बाप को मार डाला। यस, तुमने सही सुना, पूरा खानदानी ड्रामा चल रहा है। एक्चुअली ये लेजेंडरी डेविल फ्रूट लोकी के फैमिली में जनरेशन से पास डाउन होते आ रहा है। लोकी ने अपने पिता हारल्ड को धरती से अलविदा कर दिया ताकि उस डेविल फ्रूट को खा सके, और जब एल्बाफ के जायंट्स को ये पता चला तो उन्होंने लोकी को जेल में डाल दिया। बट इतना आसानी से नहीं, पूरा एल्बाफ का आर्मी चाहिए था उसको पकड़ने के लिए। यानी ये सोच लो, लोकी का फ्रूट काफी पावरफुल होगा। अब सवाल ये है, ये डेविल फ्रूट कौन सा है? वन पीस में तो तीन टाइप के डेविल फ्रूट होते हैं, पैरामिशिया, जोन और लोगिया। अब हम स्पेकुलर करते हैं कि लोकी के पास कौन सा है। पैरामिशिया, जो यूजर को किसी भी रैंडम चीज में बदलने की पावर देता है। व्हाइट बियर का गुरा गुरा नोमी स्ट्रॉन्ग है, बट क्या ये लेजेंडरी है? नहीं, तो पैरामिशिया का सीन वीक लगता है, क्योंकि यार व्हाइट बियर का फ्रूट भी लेजेंडरी नहीं है, तो भाई लोकी का क्या ही होगा। और लोगिया फ्रूट भी होते हैं जो एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक फायर, आइस, स्मोक एक्सेट्रा, बट क्या लोकी का फ्रूट लोगिया है? अजराउद्दीन ने बोला था कि वो जायंट के लिए लोगिया पावर चाहता था, तो कुछ कनेक्शन हो सकता है, बट मुझे लगता ना है कुछ और ही बात होगी। गाइस, सबसे ज्यादा चांसेस है कि लोकी के पास फ्रूट एक मिथिकल जोन हो, क्योंकि अगर ओडा सेंसे ने बोला है कि ये लेजेंडरी है तो ऑब्वियसली कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही होगा। लूफी के हितो नोमी मॉडल निका ने ऑलरेडी हमें मिथिकल जोन की हाइप दिखा दी, और लोकी का फ्रूट भी शायद किसी मिथिकल क्रिएचर या गॉड का मॉडल हो सकता है। मैं सोच रहा हूँ फरीर जैसा वुल्फ क्रिएचर, या फिर जोरमुंदर जो पूरी दुनिया तबाह कर पाए वैसा स्नेक है। वैसे तो इन दोनों के स्पेलिंग मुझे पता नहीं है ढंग से, मगर आप लोग एडजस्ट कर लो, बस स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ। वैसे जो भी हो, लोकी की पावर अनबीटेबल होगी, और लोकी एक बार फ्री हो जाए फिर वो पक्का रैग्नारोक लाएगा, मींस बैटल ऑफ गॉड, जो कि वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देगी। अगर आपको और डिटेल्स में सभी चीजें समझनी है तो सिंपल एमसीयू की थोर रैग्नारोक वाली मूवी देख लो, उसी से ही ओडा सेंसे ने एल्बाफ की स्टोरी लिखी है, आप कॉन्सेप्ट को इजीली समझ जाओगे। अब बात करते हैं लोकी की पावर लेवल की, क्या ये योंको लेवल है? फैंस तो कह रहे हैं कि लोकी की शक्ति इतनी जबरदस्त है कि लूफी, जोरो और सांजी सब ने महसूस किया। तो भाई अगर इतने बड़े कैरेक्टर इसको सीरियस ले रहे हैं तो हमारी क्या औकात है? ऐसा लग रहा है कि लोकी डोरी और ब्रूकी से भी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि दोनों का बाउंटी 1.8 बिलियन बेरीज है, और लोकी का बाउंटी अभी तक खुलासा ही नहीं हुआ है, कहीं पर अननोन है। और हाँ, एक और इंटरेस्टिंग बात, लोकी के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि वो अपने आप को सन गॉड कहता है। सोचो, लूफी और लोकी दोनों को सन गॉड पावर्स पसंद है, इसका मतलब क्या है? क्या ओडा सेंसे कोई क्रेजी सा ट्विस्ट देने वाले हैं? क्या ये एक और हितो नोमी मॉडल है? इमेजिन करो, एक जायंट जो सन गॉड है और एक ह्यूमन भी जो कि सन गॉड है, अजीब लगता है ना।
लेकिन वन पीस है यार, यहाँ पर तो कुछ भी हो सकता है। तो चलो अब मैं चाहूंगा कि तुम लोग अपनी थ्योरी शेयर करो, लोकी के पास कौन सा डेविल फ्रूट है, क्या वो मिथिकल क्रिएचर है या किसी नॉर्स गॉड का पावर मिलेगा उसको, कमेंट में लिखो, मैं जरूर पढ़ूंगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और ये चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि तुम आगे आने वाले वन पीस के रिलेटेड अपडेट्स मिस ना करो। तब तक के लिए कीप सेलिंग और एल्बाफ के जायंट के जैसे स्ट्रॉन्ग बनो। बाय बाय।